राजस्थान की राजधानी जयपुर में डॉक्टरों के विरोध के बाद भी 21 मार्च को विधानसभा में गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया। इस बिल को लेकर जहां सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के गरीबों को भी इलाज फ्री में मिल सकेगा, वहीं डॉक्टरों ने इसे फांसी के फंदे जैसा बताया है। कई दिनों से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर आज पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। खबरों के मुताबिक प्रदेश भर के डॉक्टर 21 मार्च को बिल का विरोध करते हुए राजस्थान विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जयपुर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग कर इसे तितर बितर कर दिया। राजस्थान में नए जिलों की घोषणा के बाद जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और संबंधित क्षेत्रों के लोगों में खुशी है, वहीं नजरअंदाज किए गए क्षेत्र के लोग और विधायक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसी सिलसिले में सूरतगढ़ और सांभर क्षेत्र के विधायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों का आरोप है कि बीजेपी विधायक होने की वजह से उनके क्षेत्र को जिला नहीं बनाया गया। नागौर जिला एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खबरों की माने तो पुलिस की 40 टीमों ने जिले में एक साथ 324 अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की और 248 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस की टीमों ने 115 होटल और 130 ढाबों को चेक कर 111 वाहन और 1,84,300 रुपए जब्त किए। नागौर जिले के कुचेरा में बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक कुचेरा बस स्टैंड के पास बदमाशों ने सेना से रिटायर्ड सूबेदार के शर्ट पर कचरा डाल दिया और उसके बाद रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। हालांकि इस वारदात की रिकॉर्डिंग बगल के ही सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की खोज कर रही है। बीकानेर जिला पुलिस ने जिले में हवाला कारोबार का भंडाफोड़ किया। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकदी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस द्वारा 20 मार्च की रात 11 बजे से 2 बजे तक विशेष नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान क्षेत्र के एसएचओ को एक कार में हवाला के करोड़ों रुपए ले जाने की सूचना मिली। इस पर अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कार से 1,36,00,000 रुपए जब्त किए। नागौर जिले की थावला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में 5 साल से फरार चल रही सुरज्ञानी देवी को गिरफ्तार किया। बता दें कि महिला अपने खेत की एक पड़ोसी महिला की हत्या के मामले में शामिल थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब तीसरी गिरफ्तारी हुई है। वहीं ये महिला टॉप 10 वांटेड अपराधियों में भी शामिल थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। खबरों के मुताबिक एक नव दंपति को जबरन अगवा कर लिया गया। बता दें कि दोनों ने पिछले हफ्ते ही लव मैरिज की थी। हालांकि दोनों की इस शादी से लड़की के परिजन खासे नाराज थे और माना जा रहा है कि वही लोग फिल्मी स्टाइल में नव दंपति को गाड़ी से उठा ले गए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले कई दिनों से चल रही बादलवाही के बीच 20 मार्च को राजस्थान के ही जिलों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसी दौरान हनुमानगढ़ जिले के नौहर में आकाशीय बिजली गिरी। वहीं बिजली गिरने से करणी माता मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं।